गुड इवनिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समर्पित OTTIndia.tv। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आज हम बात करेंगे बजट को लेकर। 2021 और 22 के बजट का इंतजार हर भारतवासी को काफी लंबे समय से था, क्योंकि जिस तरीके से भारत इस महामारी से उभरा है, भारत इस महामारी से होकर गुजरा है, तो ऐसे में सभी की उम्मीदें जो है, जो सभी की आस थी वो आम बजट पर टिकी थी। सभी की उम्मीदें थी कि जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, जो अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, उस अर्थव्यवस्था को जोर दो है, वो आम बजट देगा। तो ऐसे में अब वो दिन सामने आ चुका है जब बजट पेश हो चुका है। तो ऐसे में बजट आने के बाद इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और बजट के अंदर क्या कुछ बेहतर है, क्या कुछ बेहतर नहीं है, और जो कुछ भी बजट में सामने आया है उससे आम जनता को, जिस तरीके से खुद मोदी सरकार लगातार ये कहती रही है कि उनका काम है कि वो जो किसानों की आय है उसको दुगनी करेंगे, ऐसे में किस तरीके से किसानों को लेकर क्या कुछ बातें कही गई हैं, किस तरीके से किसानों की आय दुगनी होगी, जो तमाम बातें आज के बजट में कही गई हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है AK मिश्रा, जो कि बिजनेस एक्सपर्ट है। इनके साथ हम चर्चा करेंगे सर के साथ, और जानेंगे कि बजट पर एक्सपर्ट की राय क्या कुछ है, किस तरीके से बजट है, किस तरीके से बजट में जो बातें कही गई हैं वो लागू होंगी, किस तरीके से आम जनता को, युवाओं को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा, किस तरीके कैसे बाजार में बजट से उछाल आएगा, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे AK मिश्रा जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल OTTIndia.tv पर। सर, सबसे पहले जिस तरीके से हमने बाजार को लेकर बात की, अगर बाजार को लेकर बात करें तो आज ही सबसे बड़ा उछाल जो है बाजार में देखने को मिला। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि जो भारत का बाजार है वो सुस्त पड़ चुका है, तो ऐसे में उसको बूस्टअप जो बजट आएगा वो देगा, ऐसे में आज बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीच बजट जो है पेश कर दिया, जनता के सामने आम बजट रख दिया है। और बजट के आने के बाद ही हमने एक बड़ा उछाल भारतीय बाजार में भी देखा। सेंसेक्स 2000 ऊपर चला गया और निफ्टी में भी 500 अंकों का उछाल जो है वो देखने को मिला। तो सर, इस उछाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सेंसेक्स में उछाल या गिरावट जो होता है वो किसी देश की एक इकोनॉमी में ग्लोबल जो है कॉन्फिडेंस क्या है इस चीज को बताता है। हालांकि डायरेक्ट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट कि जो शेयर होल्डर्स है वहां पे उनकी इनकम घटिया बढ़ जाती है। ये दिखाता ये है कि बजट जो पेश किया गया है वो फ्यूचर में जो होने वाली एक्टिविटी है, जो टारगेट है भारत में इकोनॉमी को लेकर के, विकास को लेकर के, उसमें लोगों का विश्वास है, उसमें ग्लोबल फाइनेंसर्स जो दूसरे देशों के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका विश्वास है। उसका कारण ही यही है कि तभी ये जो है लगभग 1500 से लेकर 2000 पॉइंट ये जो उछल गया, जो आप बता रहे हैं उछाल आई है, तो ये पहला इंडिकेशन हम मान सकते हैं कि बजट सक्सेसफुल रहा कि फेल्योर रहा। तो ये पहला इंडिकेशन हमको मिलता है कि सेंसेक्स मार्केट जो एक पैरामीटर की तरह यूज होता है, और केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर सेंसेक्स मार्केट में उछाल आता है तो ये माना जाता है कि हाँ इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। तो ये बजट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो डेफिनेटली इसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन, इनिशियल, वेरी फर्स्ट इनिशियल जो है पॉजिटिव इंडिकेशन हम मान सकते हैं कि बजट डिफरेंट पैरामीटर्स पे अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव बजट ये रहा है। जी जी बिल्कुल, ये तो शुरुआती बात हो गई सर। जिस तरीके से आपने खुद कहा कि जो सेंसेक्स है, जो शेयर बाजार है, वो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि बजट जो है पॉजिटिव वे में आया। तो वही सर, अब बजट के मुद्दों पर आएंगे सीधे सीधे तौर पर, ये तो बाजार की बात हुई। बजट जिस तरीके से लगातार, जिस तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पीएम मोदी सरकार को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में लगातार जो सरकार है वो कहती है कि हम जो किसानों की आय है उसको दुगना करेंगे। तो ऐसे में कृषि फोकस पर इस बजट में काफी कुछ फोकस किया गया है। ये बजट जो है कृषि को लेकर काफी फोकस रहा है, और किसानों को लेकर कि किस तरीके से किसानों की आय है उसको दुगुना किया जाए, जो किसान लगातार हम देखते हैं कि जो घाटे में रहते हैं उनको मुनाफे में लेकर आया जाए, तो इस पहलू को आप किस तरीके से देखते हैं, जो कृषि सेक्टर पर इस बजट को फोकस रखा गया, वो भी इस कोरोना काल के समय में? देखिए, डिफरेंट सेक्टर पे बात करने के पहले हमें थोड़ा सा मूलभूत जो चेंजेस आ रहे हैं बजट के नेचर में वो देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पहले भी बोला था, अभी एक दिन पहले ही बोला था कि इसके पहले भी मिनी बजट हमने दिए हैं, उसी सीरीज में इसको देखा जाना चाहिए। इसके कहने का मतलब यह होता है कि बजट की जो एक मेन बजट प्रेजेंट करने की 1 फरवरी की परंपरा रहती है, उसके एडिशन में भी पहले भी बजट आए हैं, और इन कॉन्टिन्यूएशन अगर देखा जाए तो जरूरत पड़ेगी भी तो मिनी बजट इस साल भी इस फाइनेंशियल ईयर में 2021-2022 में आएंगे, तो एक परंपरा यहां पे मुझे टूटती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप बजट की आत्मा देखें, जो प्रिंसिपल जिसपे
बजट बनता था। जी, 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 जी। जब से मोदी सरकार आई है बहुत धीरे धीरे यहाँ पे स्विफ्ट हुआ है, स्विफ्ट चेंज हुआ है। स्विफ्ट चेंज ये हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट उन चीजों पे यानी परमानेंट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो इकोनॉमी की होती है उसको डेवलप करने पे ज्यादा फोकस कर रही है। बजट में ज्यादातर प्रावधान ऐसे हो रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद हो। इसमें बेसिक ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना फैक्ट्रीज के थ्रू, इन सब चीजों के लिए जो है एक पॉजिटिव बजट देना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे देखने को मिल रही है, जैसे पहले के बजट में यह होता था कि पॉपुलरिटी गेन करने के लिए या तुरंत इमीडिएट बेनिफिट देने के लिए टैक्सेशन में छूट ज्यादा दे दी जाती थी, रिबेट दे दी जाती थी, या किसी भी तरीके से ऐसी एक्टिविटी या पैसे को पंप किया जाता था जो इमीडिएटली तो बेनिफिट देता था पब्लिक को, इंडस्ट्रीज को, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं वो रह पाती थी, वो एक साल के लिए या इमीडिएट बेनिफिट होता था। यहाँ पे चेंज ये आया है पूरे बजट में, आप ये देखिए और पिछले कई सालों से आप देखिए, गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जो पहले हम डिस्काउंट करके कुछ दे देते थे, किसी को डायरेक्ट बेनिफिट दे देते थे या रिबेट वगैरह दे देते थे, टैक्सेशन के स्लैब को चेंज कर देते थे, तो इमीडिएट एक रिलीफ तो मिलता था पूरे पब्लिक को, लेकिन वो यहां पे नहीं है। ज्यादातर फोकस है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको डेवलप करेंगे और जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे। मतलब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो लंबे दशक की जो एक लंबी पारी जिसे कहा जाता है कि लंबी पारी के लिए ये सारा बजट इस तरीके से सामने है, उसके पीछे शायद गवर्नमेंट का ये सोचना है कि एक बार अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक वो चीजें जो एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए जरूरी होती है, अगर एक बार की ये चीज डेवलप हो गई तो इकोनॉमी हमेशा ही ऑटोमेटिकली अपने आप चलने लगेगी, यानी परमानेंट क्योर करने की यहाँ पे बातें हो रही है। अब बात हम अब सर इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से इस इकोनॉमी के पहिए को ढलान की ओर लेकर जाया जा रहा है, जिस ढलान पर अगर एक बार वो पहिया पहुंच गया और चलना शुरू हो गया तो शायद वो पहिया रुकेगा नहीं एक बार को। हाँ बिल्कुल, देखिए यही कहने का मतलब यही है कि पहले हमें बहुत फ्रिक्वेंट वे में इकोनॉमी को सस्टेन कराने के लिए गवर्नमेंट मदद देती रहती थी। उससे होता यह था कि इंडिविजुअल कंपनीज या फैक्ट्रीज या जो पब्लिक है उनको तो इमीडिएट रिलीफ मिल जाता था, लेकिन गवर्नमेंट जो होती थी वो हमेशा घाटे में रहती थी। इस बजट का सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट ये रहा है, आप ये देखिए पूरा ग्लोबल स्लोडाउन था, भारत सरकार चूंकि टैक्सेशन वगैरह सब सारी चीजें बंद थी तो गवर्नमेंट का भी कलेक्शन उतना नहीं हो पा रहा था। एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे जितने कंपोनेंट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट होती है जो बजट देती है, उसके बाद आपके इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर, जितने सेक्टर हैं, सारे सेक्टर अपने आप में बहुत कमजोर पड़े हुए थे। तो गवर्नमेंट के सामने चैलेंज ये था कि जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे ताकि हम उसको खर्च कर सके, और हर इंडिविजुअल सेगमेंट की जितने भी चयन होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज करे कि अगर हमारी स्पीड स्लो हो गई है तो हम उसको फिर से रीबूस्ट कर पाए। तो सारे एक्सपेक्टेशन को मीट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसको इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे लगभग अगर आप ये देखेंगे तो कुछ पॉइंट को छोड़ करके गवर्नमेंट ने इसको बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे सर अगर, अगर अगर सर बिजनेस के तौर पर बात की जाए, जिस तरीके से आप खुद एक बिजनेस एक्सपर्ट है, उस तौर पर बात की जाए, जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते खुद ये बात अपने उस भाषण के दौरान अपने बजट पेश करते के दौरान कही थी कि उनका जो फोकस है, सरकार का जो फोकस है वो किसानों की आय को दुगनी करने पर है। तो ऐसे में किसानों की आय सर बिजनेस के अगर पर्पस से हम देखें और एक उस दृष्टि से देखें कि किसान फसल पैदा कर रहा है, किसान खेतों में मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत का जो फल है वो दुगुना कैसे होगा? देखिए इसके पहले भी सरकार या प्रधानमंत्री जी लगातार ये बोलते जा रहे हैं कि हमारी ये प्रतिज्ञा है कि किसानों की आय को दुगनी किया जाए। ये प्रयास लगभग एक डेढ़ साल दो साल पहले से ही गवर्नमेंट का चल रहा है। देखिए सवाल ये है कि अभी किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, ये जो कृषि बिल लाया गया है उसको सैद्धांतिक रूप से आप ये देखिए, कृषि बिल लाने का पर्पज ही ये था कि किसानों को बेहतर, अभी तक एमएसपी था, चलिए एमएसपी हटाने की बात नहीं हो रही है, मंडी हटाने की भी बात नहीं हो रही है, लेकिन और भी जो स्रोत हो सकते हैं इनकम के, या अच्छी जगह या अच्छे पैसे मिले किसानों को उनकी उपज के, वो तो अल्टीमेटली मिलता मार्केट से ही है, क्योंकि खरीदार जो होता है वो मार्केट से ही होता है। तो एक प्रयास ये था। दूसरा प्रयास ये देखिए, बजट में जितने भी एग्रीकल्चर और एलाइड के लिए जो प्रोविजन किए गए हैं, बहुत अच्छे प्रोविजन किए गए हैं, यहाँ पे भी गवर्नमेंट का प्रयास क्या है? गवर्नमेंट का प्रयास ये है कि कृषि के लिए जो जरूरी चीजें हैं, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड, कृषि केवल एक ऐसा सेक्टर था जो कोविड में भी लगभग 3% की ग्रोथ पे रहा, उसके पीछे रीजन है, जितना ज्यादा आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, यानी फॉरेन के दूसरे देशों के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपकी इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा सस्टेनेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी उसकी उतनी बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर में यही हुआ, कोई चीज हमें बाहर से इंपोर्ट करनी नहीं होती, सब कुछ इंडिजिनस होता है। इसीलिए केवल एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसमें कोविड में भी नुकसान नहीं हुआ, 2.5-3% की ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन की गई। ठीक इसी पैटर्न पे गवर्नमेंट और सब चीजों के लिए दूसरे इंडस्ट्री के जो सेगमेंट है उनके लिए भी करना चाहती है। जो आत्मनिर्भर भारत की बार बार बात हो रही है, कुछ इसी रास्ते पे ये गवर्नमेंट चलते हुए दिख रही है। एग्रीकल्चर के लिए अगर बात किया जाए, जितने प्रोविजन दिए गए हैं एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर को अभी तक क्या था कि मार्केट से क्लब नहीं किया गया था, बहुत ट्रेडिशनल वे में होता था। परिणाम ये होता था कि जो एग्रीकल्चर की जो उपज है वो तो हम बढ़ाते गए, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी प्रोड्यूस हो, कोई भी उपज हो, उसकी जो कीमत वसूली जाती है या मिलती है वो मार्केट से मिलती है। इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड मार्केटिंग सिस्टम है वो हमारे एग्रीकल्चर सेगमेंट को अभी तक अवेलेबल नहीं था, जिसके लिए बेहतर स्टोरेज, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, बेहतर इंफॉर्मेशन की जरूरत है। एग्रीकल्चर किसानों को जो है और छूट देने की जरूरत है या उनको और बेनिफिट देने की जरूरत है, फाइनेंशियल बेनिफिट देने की जरूरत है। इन सब चीजों को देख करके ही एग्रीकल्चर का बिल जो है दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा एक ये निगेटिव लोग बोल सकते हैं कि डीजल पेट्रोल पे सेस लगा दिया गया सर, है। मैं हाँ इसी बात पे सर मैं आने वाला था कि जो डीजल पेट्रोल के सेस की बात हो रही है उसपे कृषि सेस जो है लगा दिया गया है, और जो तमाम लोग हैं वो इस बात को समझना भी चाह रहे हैं। तो ऐसे में सर ओटीटी इंडिया चाहेगा कि जो तमाम हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इस बात को समझ सके कि जिस तरीके से कई लोगों के सर हमने सवाल देखे, जैसे ही बजट जो है वो खत्म हुआ, लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया उससे किसानों को किस तरीके से फायदा होगा, क्योंकि आम जनता इस वक्त जाना चाहती है, क्योंकि जो पैसा है वो सीधे तौर पर आम जनता की जेब से जाना है। जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वो जब पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में लेंगे, डायरेक्टली ये है, जैसे डीजल या पेट्रोल आप देखिए लगभग 2 रुपए के आसपास पर लीटर अगर ये महंगा हो जाएगा जी। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए पुल और पुश थ्योरी जो लगती है इकोनॉमी में जी, डायरेक्ट तो लगेगा कि हाँ भाई ये पेट्रोल या डीजल जो है इतनी 1-2 रुपए महंगी हो गई, और उसके बाद फिर क्या होगा, किराया भी बढ़ेगा तो हर चीज होगा। लेकिन इनडायरेक्ट वे में एक चीज आप ये देखिए कि हमेशा से ये बात उठती रही है कि गवर्नमेंट ने, जबकि रॉ मटेरियल जो पेट्रोल और कच्चे तेल की कीमतें जब मार्केट में बहुत कम थी तब भी इन्होंने कम नहीं किए। गवर्नमेंट का जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, जो आगे लगभग 2024-25 तक लगभग आप ये देखेंगे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रेल 100% लगभग आप ये मानिए विद्युतीकरण हो जाएगा, उससे कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, जितने भी आपके पुल बनने हैं, 6-लेन 4-लेन हाईवे जो बननी है, भारतमाला प्रोजेक्ट वगैरह, जो इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लान लेकर के हम चले हैं उसके लिए फंड भी चाहिए। फंड कहां से आएगा? मैंने पहले ही बोला कि गवर्नमेंट की अपनी भी एक चिंता है, एक चैलेंज है, एक टारगेट है कि जब सब कुछ बंद रहा तो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट को भी फंड की जरूरत है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से देखता हूं कि चूंकि डीजल और पेट्रोल एक बहुत जरूरी चीज है, लोग उसको कंज्यूम करते ही करते हैं, मतलब खरीदते तो है ही उसको, तो वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए मैं ये समझता हूं कि ये सेस लगाया गया है। और ये भी अगले 2-4 सालों में जब अपनी इकोनॉमी बूस्ट होगी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्लान है, जो चीजें बन जाएंगी वहां पे, तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, तो मे बी पॉसिबल कि उसके बाद महंगाई के साथ साथ ये चीजें भी धीरे धीरे सस्ती होनी शुरू हो जाए। लेकिन अभी हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में चल रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा पेन लेने की जरूरत है और गवर्नमेंट को भी लेने की जरूरत है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती थी बहुत सारी चीजों पे, उसको खत्म कर रही है। उसके पीछे पर्पज ये है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए ये था कि बैसाखी के सहारे जो चीजें चलने वाली हैं उन चीजों को हटाया जाए। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा, एक आदमी एक छोटी सी इंडस्ट्री से लेके जब आत्मनिर्भर बनेगा तभी पूरा देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा। बिल्कुल। तो सब्सिडीज को खत्म करके उन जगह पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहती है जहां से कि डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी हो, आपकी जीडीपी, जैसे अभी दुनिया की जो है जानी मानी संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इन सब ने किया है 7.5 से लेके कुछ नहीं तो 11% तक का डिक्लेयर किया है कि इंडिया की इकोनॉमी इतना ग्रो कर सकती है। अगर 10% या उससे एवर ग्रो करती है तो डेफिनेटली हम दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी बन सकते हैं। बिल्कुल। सस्टेनेबल अगर ग्रोथ उस लेवल पे होता है 10% के ऊपर जो है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का भी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के पास है, वो भी वो टाइम पे अचीव कर लेना चाहते हैं। इन सारी चीजों को देख करके हो सकता है, जैसे टैक्सेशन में कोई बहुत मेजर बेनिफिट नहीं मिला है लोगों को, तो लोगों की एक नाराजगी है कि भाई हमें बेनिफिट नहीं मिला। मैंने वही बोला, इमीडिएट बेनिफिट दे करके किसी को इमीडिएट खुश कर देना वाली जो बजट की परंपरा थी वो शायद ये सरकार तोड़ती हुई नजर आ रही है। इस बार सर ये सारी चीजें नहीं दिखी,
कि जो कुछ भी बजट में अनाउंस किया गया जिसका तुरंत ज्यादातर जो सामान था जो भी बातें कही गई इसमें उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला जिससे हमें तुरंत जो है आम जनता को राहत मिले। सब कुछ इस तरीके से प्लान किया गया कि एक लंबा प्लान किया गया जिसे स्ट्रेच किया गया बकायदा। और सर जिस तरीके से आपने टैक्स को लेकर बात की, अगर टैक्स को लेकर आए तो टैक्स स्लैब में भी हमने कोई बदलाव नहीं देखे हैं। तो सर अगर भारतीय बाजार को लेकर बात की तो इससे भारतीय बाजार पर उसका कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव इस बार नहीं किए गए क्योंकि जो आम जनता है जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि शायद टैक्स स्लैब में इस बार भी कोई बदलाव देखने को मिले, लेकिन वो बदलाव स्लैब को कम या ज्यादा कर देने से डायरेक्ट या इसको डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में प्रॉफिट या लॉस करके आप जोड़ सकते हैं एक इंडिविजुअल आदमी के लिए। जैसे अगर किसी की इनकम मान लीजिए 5 लाख है या 10 लाख है तो उस पर अगर टैक्स कम होता है तो वो उसकी उतनी सेविंग हो जाती है, अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ा देती है तो एक तरीके से उसके लिए लॉस होता है। मैंने आपको पहले भी बोला कि गवर्नमेंट इमीडिएट खुश करने के जितने भी रास्ते पहले बजट में होते थे, हालांकि रिलैक्सेशन देना चाहिए था ये मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, उसके पीछे रीजन ये है कि कोविड के कारण आम जनता भी बहुत त्रस्त रही है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक लॉन्ग टर्म विजन है देश को आगे ले जाने का, आप ये देखिए ना रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलप हो रहा है, रेल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, हाई स्पीड ट्रेन चलानी है, बुलेट ट्रेन वगैरह चलानी है, इन सबको इन्वेस्टमेंट, और ये एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है। अमेरिका में जब रिसेशन आया था 70 के दशक में तो वहां पे हाईवे और ये इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट वहां पे किए गए थे। कुछ प्रॉब्लम जनता को हो सकती है, देश को हो सकता है, लेकिन एक बार ये परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाने पे ऑटो मूड पे इकोनॉमी आएगी और वो ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू। बिल्कुल, और वो जब एक बार जिस तरीके से हमने शुरुआत में ही बात कही कि जब वो पहिया चल जाएगा, पहिया जब उस ढलान पे आ जाएगा तब शायद उस पहिए को उतना पुश करने की जरूरत नहीं होगी जितना इस समय है हमें। देखिए इकोनॉमी अपने आप में एक सिस्टम होता है, इकोनॉमी के जो भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कुछ कंपोनेंट मैं आपको बताता हूँ, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के बाद डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर तो अकेले बहुत बड़ा इसका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है 15-16% और लगभग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को देखेंगे तो लगभग 50-60% का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जॉब या रोजगार ये मुहैया करवाती है। तो हर सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा रहता है। कोविड में सब कुछ बंद हो जाने के बाद आज आप देखिए जितने भी सेक्टर हैं वो सब ये बोल रहे हैं कि हमारी सेल्स नहीं हो रही है। सेल्स इसलिए नहीं हो रही है कि पूरी साइकिल ही रुकी हुई है, कंज्यूमर से लेकर प्रोड्यूसर तक सबके हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट का टारगेट ये था या हम लोगों की जरूरत भी ये थी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा पुश करे कि जो डिफरेंट एलिमेंट है इकोनॉमिक सिस्टम के हम लोगों के उसमें एटलीस्ट मोबिलिटी तो आए। तो उस चीज को देखते हुए अगर ये देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जिन जिन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक चीज और है, देखिए गवर्नमेंट के पास भी पैसे तो ऐसे है नहीं कि गवर्नमेंट जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी जीडीपी बढ़ेगा, टैक्सेशन के थ्रू तभी होगा। गवर्नमेंट पैसे कहां से कलेक्ट कर रही है? एलआईसी का आप ये देखिए डाइवेस्टमेंट के लिए उन्होंने एफडीआई वगैरह की छूट दी। बहुत सारे आप ऐसे भी देखेंगे जैसे बातें ये उठ रही है कि भाई बहुत सारी चीजों को गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है। जी, प्राइवेट इसलिए कर रही है कि देश की जो जरूरत है एक सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें रिक्वायरमेंट है ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए, उतना पैसा शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी नहीं है तो वो कहां से होगा? उसमें फिर वो प्राइवेट सेक्टर भी है। भाई अगर पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास पड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिल करके किसी एक प्रोजेक्ट को डेवलप करें। प्रोजेक्ट डेवलप होना चाहिए, काम होना चाहिए, रेदर देन ये चीज की ये गवर्नमेंट रहेगी कि प्राइवेट रहेगी वो काम ही ना हो। बिल्कुल सर, वही जिस तरीके से आपने ये एफडीआई को लेकर बात की तो वही इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफडीआई को काफी बढ़ावा दिया गया है, साफ तौर पर इस बजट में हमें देखने को मिला है। तो ऐसे में ये जिस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा दिया गया सर, इससे मतलब इस फैसले को कितना मतलब ये इसे जिस तरीके से आपने कहा कि जब साथ मिलकर चलेंगे तो उससे बेहतर स्थिति पैदा होगी, तो ऐसे में इस फैसले को किस तरीके से देखिए एफडीआई को किसी भी सेक्टर में अगर हम बढ़ावा देते हैं, उसके स्लैब को अगर हम बढ़ाते हैं या ओपन करते हैं, उसका सीधा सा पर्पज ये होता है कि बाहर से फंड इंडिया में आए। इंश्योरेंस सेक्टर अपने आप में 120 करोड़ की जनता का इंश्योरेंस करना, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक का इंश्योरेंस करना, कितना एक बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है ग्लोबल प्लेयर्स के लिए। तो डेफिनेटली मैंने आपको शुरू में ये बोला कि गवर्नमेंट की भी अपनी अपेक्षाएं हैं। इन सब चीजों को देखते हुए बहुत से, अभी तो मान लीजिए केवल एलआईसी की ये बात है, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है वहां पे भी आगे आने वाले टाइम में एफडीआई वगैरह के परसेंटेज को या सीलिंग को बढ़ाया जाए। तो अगर उस उद्देश्य से देखा जाए, पॉजिटिव उद्देश्य से देखा जाए, तो भाई फंड हमें कलेक्ट करने हैं, एफडीआई आएगी, अगर दूसरे जगहों पर एफडीआई आ सकती है तो यहां पर भी आ सकती है। तो जहां जहां गवर्नमेंट को
अपॉर्चुनिटी लग रही है उन चीजों को वो ओपन कर रहे हैं। सर ये बातें तो सारी होगी, जिस तरीके से हम बाहर की कंपनियों को लाने की बात कर रहे हैं, हम जो सरकारी जिस तरीके से जो भी विभाग है उनमें उनके प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां इंक्लूड हो रही है, तो ये दूसरी ओर लगातार आत्मनिर्भर भारत की भी बात की जा रही है। तो आत्मनिर्भर भारत पर लगातार जोर दिया जा रहा है। और कोरोना काल को अगर ले लें, जो पिछला साल हमारा पूरा बीता लगभग एक साल का समय, अगर इस पूरे एक साल के समय को इसमें देखा जाए तो इस पूरे एक साल में आत्मनिर्भर भारत पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। और इस बजट में भी आत्मनिर्भर भारत जो है, ये शब्द सर शायद से सभी के कानों में सबसे अधिक बार गूंजा होगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है ये बीजेपी का बहुत पहले से, और ये एक तरीके से देखा जाए अगर कॉन्सेप्ट जो एक लॉन्ग टर्म विजन और गोल है ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल, कोरोना काल में आप ये देखिए डेफिनेटली बहुत सारी चीजें यहाँ पे एकदम स्थिर हो गई थी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं चल रही थी, ये एक लॉस था। लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स ये देखे, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जान को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। इस चीज को कुछ भी हो, ठीक है हमको इकोनॉमिक लॉस हुआ, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज अगर देखें तो शायद हम यहाँ पे जिंदगी को बचाने में ज्यादा अच्छे तरीके से कामयाब हुए हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे करूंगा, देखिए अगर विश्वगुरु बनने की बात होती है, ग्लोबल लीडर बनने की बात होती है, तो कोरोना की वैक्सीन जहां दुनिया की जानी मानी संस्थाएं क्लेम कर रही थी कि हम नंबर वन है, हम सबसे पहले बनाएंगे, भारत ने अपना दबदबा ऐसा बनाया, दो वैक्सीन हमारे पास रेडी है, दो अभी और रेडी होकर के जल्दी आ जाएंगी। आज की डेट में इस महामारी से, इस ग्लोबल महामारी से निजात दिलाने में भारत का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, फार्मा सेक्टर अगर ग्लोबली देखा जाए तो टॉप थर्ड जो है सेक्टर है इंडिया का, लेकिन फार्मा सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो है। एक उसके पीछे रीजन है कि एक तो खुद डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज्यादा है, तो जितनी भी दवाइयां बनती है हर चीज के लिए डोमेस्टिक मार्केट की हमारी जो है बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। गवर्नमेंट इस चीज को भी देखिए, मेक इन इंडिया में जितने भी सेक्टर डाले हैं, मुझे ये लगता है कि फार्मा सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो ग्लोबल दबदबा हमारा कायम हुआ है विश्वास का। तो ये सब के सब आप देखिए, किसी भी सेक्टर में आप जाइए, मैंने आपको बोला कि इमीडिएट या वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स जब होती थी तो वहां पे ये होता था कि इमीडिएट बेनिफिट आप दे दीजिए, रिबेट दे दीजिए, टैक्सेशन में आप छूट दे दीजिए, तो उससे पब्लिक खुश तो जरूर होती थी, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना चाहिए था वर्ल्ड क्लास लेवल का, वो नहीं हो पाता था, 70 सालों बाद भी नहीं हो पाया। जी जी, तो हर जगह से मुझे जब मैं खबरें देखता हूँ, भारतमाला प्रोजेक्ट आप ये देखिए, उसके बाद हाईवे देखिए, हम लोगों के गांव में 6-6 लेन के हाईवे बन गए हैं, रेल का जो मॉडर्न तरीके से रेल को, रेलवे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन्होंने चलाया, इसके पहले ये सब भारत में नहीं थे। बिल्कुल, ये सारी चीजें ये बताती है, ठीक है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन 2024 से लेकर 2026 के बीच में पूरे इंडिया में रेल का, रोड का, इन सब सारा नेटवर्क जब ये हो जाएगा तो उसका जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होगा, बड़ा और वो नजारा जो है सर भारत का, अगर हम उस भारत की कल्पना अभी से करें तो शायद भारत हमें जो तमाम विकसित देश है जैसे अमेरिका, यूएस, इन तमाम देशों को टक्कर देता हुआ सीधे तौर पर देखेगा। देखिए कमी केवल एक ही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आजादी के बाद से ये था कि जो प्रायोरिटीज होती थी वो और नेचुरल वो थी कि हम अपनी जनता का पेट भरें, उनको इमीडिएट बेनिफिट दें, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे दें, इतना ज्यादा फंड हो नहीं पाता था गवर्नमेंट के पास, जन कल्याणकारी की जो योजनाएं होती थी सरकार इस पे भी फोकस कर रही है जन कल्याणकारी। अभी देखिए वैक्सीनेशन के लिए इन लोगों ने बहुत ज्यादा अमाउंट दिया हुआ है। सवाल ये है कि वन टाइम जो नीडेड है, वन टाइम जो डिमांड है, अगर आपको ग्लोबल इकोनॉमी में कॉम्पीट करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरीके से देना है, 24 आवर आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, वाटर देना है, कम्युनिकेशन देना है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी, लेकिन चूंकि उस पर खर्चा इतना ज्यादा होता था कि पैसा कहां से आए। अब देखिए पैसा 2-3 जगहों से आता है गवर्नमेंट के पास, एक तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है, उसके बाद ये होता है कि वर्ल्ड बैंक वगैरह से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से उनको लोन मिलता है, सस्ते पे लोन मिलता है। तीसरा ये होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के जो विदेशी बिजनेसमैन है उनको लिया जाए साथ में कि भाई आप इन्वेस्ट करिए, इसीलिए मार्केट ओपन की जा रही है। उसके बाद ये होता है गवर्नमेंट ने जो एक अनोखी चीज की है वो ये की है कि भाई बाहर का बिजनेसमैन आकर के यहां इन्वेस्ट कर सकता है किसी प्रोजेक्ट में, तो अपने देश के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं।
तो ये जो आप ये देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का जो टाई अप हो रहा है, जैसे अभी रेल वगैरह देखिए कुछ एयरपोर्ट वगैरह हैंडल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दिए गए हैं, मिसमैनेजमेंट हो इससे बेटर है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर सकती है तो डेफिनेटली उसको दिया जाए ताकि गाड़ी आगे तो बढ़े। कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का है ये दिखता है सर। यहाँ पर सीधी बात अगर इस तरीके से देखा कि जब मौका दिया जाएगा तो ऐसे सर रोजगार के जो अवसर सीधे तौर पर पैदा होंगे, अगर प्राइवेट कंपनी उसमें इंक्लूड होंगी तो एक कंपनी जो अलग से उस चीज को ऑपरेट करेगी तो ऐसे सीधे तौर पर सर रोजगार के जो अवसर है वो भी उत्पन्न तो होंगे। हाँ देखिए यहाँ पे भी जो है ठीक है अभी कोविड ओविड के कारण रोजगार वगैरह एम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत हैम्पर हुए हैं जी। देखिए है क्या इन चीजों को अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बजट ऐसा दिया जाए कि ताकि हमारी इकोनॉमी और डिफरेंट कंपोनेंट जो है फैक्ट्री वगैरह चलना शुरू हो जी। ऐसा नहीं है किसी भी देश की गवर्नमेंट रोजगार अपने आप नहीं दे सकती है, रोजगार को मैं हमेशा एक बाई प्रोडक्ट मानता हूं। जैसे कहीं से इन्वेस्टमेंट हुआ चाहे गवर्नमेंट करे या फॉरेन की कोई बिजनेसमैन करे या कोई भी करे, एक फैक्ट्री खुली, अब अगर वो फैक्ट्री खुलेगी तो 100 लोगों को 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा ही, तो रोजगार हमेशा एक जो टोटल एक साइकिल होती है उसका एक कंपोनेंट होता है जिससे रोजगार क्रिएट होता है। यहाँ पे अब जैसे देखिए कुछ योजनाएं ऐसी होती थी जैसे मनरेगा वगैरह चली थी, वहां ये था कि जब रोजगार नहीं है तो वहां पे सपोर्ट देने के लिए आप एक मिनी रोजगार टाइप का या असिस्टेंट टाइप का आप समझिए। गवर्नमेंट यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म ये प्रोजेक्ट उनकी ये प्लानिंग है कि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट का बाहर के जो बिजनेसमैन है कंपनीज का इतना इन्वेस्टमेंट हो इतनी इंडस्ट्रीज, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ही यही था कि इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। कुछ एक चीजों में देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो हम नो डाउट जो है हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है और इस पे एक मोहर लग गई है। बिल्कुल, और जिस तरीके से जब भारत ने जो वैक्सीन बनी है 9 देशों को सर कम अगर पिछली रिपोर्ट देखी जाए जो अभी आई थी तो उसमें करीब भारत ने 9 देशों को कोरोना की जो वैक्सीन है वो दी है अपने जो उसके मित्र देशों को दी है, तो ऐसे में भारत कहीं ना कहीं विश्व विजेता तो इस मुद्दे पर बन चुका है। नहीं, बात केवल मित्र देशों की नहीं है बल्कि शत्रु देश भी जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हैं क्योंकि मरता क्या ना करता। सारे देशों की वैक्सीन आप देखिए वो क्वालिटी वाइज देखा जाए तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। यहाँ पे जो हम लोगों का दबदबा कायम हुआ है रिसर्च में R&D की फील्ड में, वैक्सीन बनाना कोई नॉर्मल दवा बनाने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसेस होता है किसी भी जो है उसके लिए वैक्सीन बनाना, उसमें भी भारत ने अगर बाजी मार ली है तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टर्स का उसके बाद और दूसरे देशों का विश्वास भारत की इकोनॉमी में बढ़ना है। और सर अगर जैसे तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत को लेकर बात कर रहे थे तो सर इस आत्मनिर्भर भारत का जो मोटो जिस तरीके से आपने भी बात कही कि जो बीजेपी गवर्नमेंट वो पहले से ही लेकर चल रही है, और अगर इस पिछले कोरोना काल को लेकर बात करें तो इस कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत पर और भी जोर दिया गया, तो सर ऐसे में आत्मनिर्भर भारत से जो युवा है उनके रोजगार के अवसर कितने पैदा होंगे, उनको इस आत्मनिर्भर भारत से कितना फायदा सीधे तौर पर मिलने वाला है। देखिए आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई प्लान नहीं है, फर्क समझिए कॉन्सेप्ट में और प्लान में। कॉन्सेप्ट ये होता है जो कि कई सालों के लिए होता है, वो एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा पे काम करते रहना पड़ता है लगातार काफी लंबे समय के लिए। अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो आप ये देखिए रोजगार इमीडिएट क्रिएट नहीं होता बिल्कुल, है बिल्कुल। या तो रोजगार इमीडिएट क्रिएट तब होगा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाए और कंपनियां जो है फॉरेन की कंपनियां या अपने यहां की कंपनियां डिक्लेयर करें कि हाँ भाई हम ये फैक्ट्री खोल रहे हैं तो रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है। कोविड के कारण जो रोजगार का लॉस हुआ है उसका यह है कि जो कंपनियां बंद हो गई थी कोविड के कारण जो ठप्प पड़ी हुई थी वो चीजें धीरे धीरे करके शुरू हो तो वापस जिन लोगों की नौकरियां गई हैं या जो होल्ड पे चले गए थे वो वापस काम पे लौटना शुरू। देखिए अब तरीका तो केवल एक ही बचा है, तरीका वो ये बचा है कि एटलीस्ट इंडिया तो कोविड के फियर फैक्टर से मुक्त हो चुका है ना। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोविड का जो डर बैठा था वो खत्म करना, डर ग्लोबल इकोनॉमी भी इसी कारण सस्पेंडेड रही है, वो डर सबसे पहले पूरी दुनिया में भारत ने खत्म किया वैक्सीन को लेकर। मैं समझता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी इस बजट के बाद से शुरू होंगी, स्लोली एंड स्लोली आप ये देखेंगे कि 4-6 महीने में ये पूरा पिकअप पकड़ लेगा और जो फेस्टिव सीजन हमारा शुरू होता है दशहरा दिवाली के पहले तक चीजें मुझे लगता है कि एटलीस्ट बहुत नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और सर जिस तरीके से आपने आत्मनिर्भर भारत को लेकर कहा कि कॉन्सेप्ट सर कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट के जरिए तो लोगों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय सरकार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है,
लगातार कंपनियों में भारत कंपनियों को भारत में लाने की बात कर रहे हैं, जो हम आपूर्ति के लिए अपने देश में जो चीजें हम पूरी नहीं कर पाते थे हम दूसरे देशों से लेते, तो ऐसे में अब ये जोर दिया जा रहा है कि उन चीजों को हम भारत में ही बनाकर अपनी आपूर्ति खुद से पूरी कर लें, और यहां तक कि हम भारत में उन चीजों को बनाकर बाकी दूसरे देशों को भी दें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इससे रोजगार बढ़ेंगे ही। और जिस तरीके से हमने सर आपने कोरोना काल को लेकर बात की, तो कोरोना काल में भी हमें सारी चीजें देखने को मिली। शुरुआती तौर पर हमारे पास जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी कमी थी, हमारे पास पीपीई किट की कमी थी, हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास हैंड सैनिटाइजर तक की कमी थी, लेकिन भारत जो है इन मामलों में भी विश्व विजेता बनकर निकला। आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट कैसे साकार होगा इसका आप एग्जांपल समझिए। कोरोना में जहां पे सारी इंडस्ट्री को सेटबैक लगा था, सब ऑलमोस्ट नील हो गई थी, बंद हो गई थी, वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो इसलिए किया कि एग्रीकल्चर में जो भी रॉ मटेरियल लगता है या जितनी भी चीजें होती हैं उसके लिए हम दूसरे देशों पे हम जो है निर्भर नहीं है, मतलब कि हमें कोई चीज बाहर से आयात करनी पड़ रही है, इंपोर्ट करनी पड़ रही है। इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह या इन चीजों को देखिए, जिसके लिए हमें चीजें बाहर से आयात करनी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी, वो ठप हो गई। अब आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट क्या है या गवर्नमेंट की परिकल्पना क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक, उन सब चीजों का हब, मैन्युफैक्चरिंग हब, स्टोरेज हब भारत बने। इसका एक बहुत एग्जांपल आप देखिए, अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो डीजल और पेट्रोल का आप देखिए, डीजल और पेट्रोल के लिए हम 100% निर्भर हैं दूसरे देशों पे, वहां से हमें मंगाना पड़ता है। अब इसकी निर्भरता अगर खत्म हो जाए तो एटलीस्ट एनर्जी के सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लेने शुरू किए हैं, जैसे सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना एनर्जी के लिए, डीजल लोकोमोटिव की जगह जो है उसको इलेक्ट्रिफाई करना, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है के ऊपर ज्यादा ये फोकस कर रहे हैं, जहां जहां एनर्जी की बचत हो सकती है ताकि डीजल और पेट्रोल को कम से कम इंपोर्ट किया जाए। अब देखिए, लिथियम आयन बैटरी वाली कारें आ रही हैं शहरों से, एटलीस्ट मेट्रो शहर से तो ये हट ही जाएंगे, धीरे धीरे करके रिप्लेस हो जाएंगे, तो डीजल और पेट्रोल की खपत कम होगी। जब खपत कम होगी तो दूसरे देशों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम होगी, कम हो जाएगी, आप आत्मनिर्भर बनते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि आत्मनिर्भर भारत एक कॉन्सेप्ट है, एक विचारधारा है, ये कोई प्लान नहीं है कि 6 महीने साल भर के लिए हमने प्लान बनाया और इंप्लीमेंट किया वो हो गया, ये एक लॉन्ग टर्म लगातार काम करते रहने की जरूरत है। जी 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 बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत को लेकर हमें लगातार, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद जब तक भारत अस्तित्व रहेगा, भारत के लोग अस्तित्व रहेगा, तब तक ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा, तब तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। और वहीं से अगर अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें, जिस तरीके से लगातार भारत की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही है, और अर्थव्यवस्था लगातार, अगर सर मैं सही हूं, अगर आप मुझे सही करें तो आपको अधिक इस बारे में पता हो कि ऐसा पहली बार है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में, इसके बाद ही बजट पेश किया गया हो, तो ऐसे में ये बजट भी काफी कुछ अपने आप में बयां करता है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि जब भारत का बजट 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा तो इसके बाद अर्थव्यवस्था में एक बड़ा सुधार, एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। देखिए, अर्थव्यवस्था का अगर ये देखा जाए, ये चुनौतीपूर्ण टास्क क्यों रहा है कि कोविड के टाइम पे जब अर्थव्यवस्था गिरनी शुरू हुई तो लगभग -24% -25% तक हाईएस्ट, मतलब जाकर के निगेटिव ग्रोथ हुई है यहाँ पे। बिल्कुल, ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति थी। चिंताजनक स्थिति इसलिए थी कि कोई भी अर्थशास्त्री अगर इकोनॉमिस्ट इस चीज को सोचेगा तो सर घूम जाता है कि इतने निगेटिव ग्रो को हम पॉजिटिव कैसे लाएंगे, जहां 7% 6.5% 7.5% हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रहा हो, तो बाउंस बैक करना अपने आप में एक चैलेंज था। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब है क्या, अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए, भारत के लोगों ने कुछ बोला हो या ना बोला हो, लेकिन विदेशी एजेंसी जो है IMF वगैरह 7.5 से 10% अगर वो डिक्लेयर कर रही है तो वो यहां के अर्थव्यवस्था के नेचर को समझती है। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ा सेल्फ जो है डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट इसलिए है कि बहुत बड़ी मार्केट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहला उसका कैरेक्टर ये है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जो भी होता है वो यहाँ पे ही खपाने की, यहीं पे उसको ट्रेड कर लेने की कैपेसिटी है। अपने आप में ये एक बहुत सफिशियंट, मतलब इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के भीतर अपने आप में ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी विद इन इकोनॉमी विद इन इकोनॉमी। अब आप जैसे यूपी को लीजिए, इंडियन इकोनॉमी में अगर यूपी की बात किया जाए और उसको फुल फ्लैग डेवलप कर दिया जाए तो इकोनॉमी विद इन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि यूपी में देखा जाए पॉपुलेशन 22 से 25 करोड़ के आसपास है, लेबर भी आपको मिल रही है, फैक्ट्री भी वहीं पे है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट भी जनता को वहीं पे मिलते जा रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी आप वहीं कर रहे हैं और कंज्यूम भी वहीं कर रहे हैं।
ये जो पॉपुलेटेड डेंस पॉपुलेटेड जो देश होते हैं ये उनकी एक बड़ी खास बात होती है। चाइना भी आगे बढ़ा तो इसी चीजें पे बढ़ा, इन्हीं चीजों पे बढ़ा, उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन उसका भी बहुत ज्यादा है, उसने उसको एक्सीड करते हुए इंटरनेशनल कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना। कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक डिमांड जो है उसके साथ साथ इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, प्रमोट किया जाए कि ग्लोबल कंजम्पशन या जो डिमांड है उसको देखते हुए एक बहुत मैसिव लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है और जिसका रिजल्ट हमें आगे आने वाले 2-4 सालों में दिखेगा। जी, और अगर सर अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरीके से हम बात करें तो अर्थव्यवस्था को पटरी पाने में कितना समय लगा, क्योंकि जिस तरीके से इस कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और जो अब अर्थव्यवस्था चली भी है तो काफी डगमगाते हुए चली है। देखिए, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में आने में जो सबसे बड़ा क्या था, अर्थव्यवस्था एक बहुत एक ऐसा फैक्टर है ना जिसपे साइकोलॉजी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। देखिए, जब कोविड शुरू हुआ, हो सकता है कई लोगों ने उसमें ट्रेवल किया लेकिन उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो एक भय बैठ गया था, मैंने आपको बोला फीलिंग्स क्या है लोगों की, ग्लोबल मार्केट की, कंज्यूमर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को रोकने में या चलाने में। तो सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि एक फियर फैक्टर जो पूरे देश में क्या बल्कि पूरी दुनिया में था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अमेरिका वगैरह तो अभी भी उससे नहीं उभर पाए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह तो अभी भी नहीं उभर पाए हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि कोविड वैक्सीन बन जाने के कारण हम इस चीज से बाहर आ गए हैं, इस जो है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से, इस साइकोलॉजिकल स्टेप से हम बाहर आ गए हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम था कोविड से इफेक्टिव वे में फाइट करने के लिए जो मेजर्स लिए गए वो तो है ही, लेकिन हम लोगों का जो अपना एक ट्रेडिशनल इम्यून सिस्टम था, हेरिडेटरी जो था, वो इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स, देखिए दूसरे देशों में जहां तुलनात्मक तौर पे देखा जाए मौतें बहुत ज्यादा हुई, गवर्नमेंट ने हाथ घुटने टेक दिए, उनके पास कोई उपाय नहीं था। तो ओवरऑल अगर ये यहाँ का इन्वायरमेंट देखा जाए, इकोनॉमिक और सोशल या बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट देखा जाए, वो ज्यादा सुटेबल है। फिर भी मैं समझता हूँ कम से कम इस बजट के बाद चीजें स्टार्टअप होंगी, बाउंस बैक होगी और वापस आते आते कम से कम 2 क्वार्टर का टाइम हमें चाहिए ही चाहिए। देखिए 31 मार्च तक तो इसी जो है एनुअल उसकी क्लोजिंग होगी। बिल्कुल, लेकिन लोगों ने अब 31 मार्च के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द बजट शुरू कर दी होगी, तो सुखबुगाहट अभी आपको कल से ही दिखाई देगी। उसके बाद 31 मार्च के बाद से रिक्रूटमेंट वगैरह, फैक्ट्री वगैरह चलना, तब तक वैक्सीनेशन भी लगभग बहुत सारे लोगों को हो जाएगा, 2-4-6 महीने में वैक्सीनेशन का टारगेट भी कवर कर लिया जाएगा। ये फियर फैक्टर खत्म होते ही, हमारे हाथ में दवा आ गई है, ये फियर फैक्टर खत्म होते ही इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी। फिर भी एटलीस्ट 2 क्वार्टर का टाइम मैं मानता हूं। बिल्कुल सर, 2 क्वार्टर का टाइम आप अपने हिसाब से मानते हैं, जिस तरीके से 2 क्वार्टर का टाइम भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने पर लगेगा। वही दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह भी है कि जो कोरोना का भय जो है वो इस वक्त अब दवाई आने के बाद लोगों के मन से जब खत्म होगा, उसके बाद भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में एक बड़ा ये योगदान निभाने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो हमारे सवाल थे, जो हमारे दर्शक थे, जो उनके सवाल थे, उनके सवालों का जवाब दिया और जो भी बातें बजट को लेकर उनके दिमाग में घूम रही थी उन सभी बातों का आपने साफ किया। 2 मिनट टाइम हो तो एक सेक्टर को हम लोग भूल गए हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में और बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी, वो है आप ये देखिए जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मेरे पास व्यक्तिगत ऐसे बहुत सारे फोन आते रहते थे, इसके लिए मैं आपको ये बोला। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, पिछले लगभग विगत 2-3 सालों से 4 सालों से देखिए रेरा आया ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। रेरा आने के बाद अब की बार भी बजट में ये जो सेक्टर है उसके जो बिजनेसमैन है उम्मीद कर रहे थे कि हमें कुछ स्पेशल कंसेशन वगैरह मिले। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट ने निराश किया। यहाँ पे जो इंड यूजर है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, उनके लिए टैक्सेशन में थोड़ी सी सहूलियतें दी गई है, शायद 1.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन दे दिया गया है जी। इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का फोकस ये है, पहले जो होता था ना कि ये बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर माना जाता था, आप 100 रुपए लगाइए, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 6 करते चले जाइए, जो बढ़ोतरी इस तरीके से होता था, उसके बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस वगैरह होते थे। गवर्नमेंट इस सेक्टर को, पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ की जमीन आपने खरीदी 10 करोड़ रुपए में, आपने 10 करोड़ रुपए लगा दिए, वो 10 करोड़ रुपए आपका पड़ा रहता था अनप्रोडक्टिव होके। अगर उसी 10 करोड़ रुपए की आप कोई फैक्ट्री लगाइए तो 15 लोगों को काम भी मिलता था, कुछ चीज बढ़ती थी और GDP में डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। जमीन केवल खरीद के रख देने से उसका GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। पैसों की जरूरत गवर्नमेंट को भी है, मार्केट को भी है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो अननेसेसरी ब्लॉकेज जो कैश का या पैसों का इस सेक्टर में होता है उसको हटा करके वो मार्केट में आए जो है किसी भी तरीके से, ताकि
यहाँ पे ब्रॉडर लेवल पे लोगों को फायदा। यहाँ पे सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने ये लैंड को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कही है, तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अगर किसी को समझती है तो वो कोई मकान या घर या जमीन खरीदने को ही समझती है। मिडिल क्लास ही नहीं, इंडिया में पहले ये था कि सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली सबसे सेफ जो समझा जाता था वो इन्वेस्टमेंट को, हाँ, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसको इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट से हटाना है। रीजन ये है कि जो भी ब्लैक मनी होती थी या जिसके पास सरप्लस मनी होती थी वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था। अगर वही चीज मार्केट में इन्वेस्ट हो और किसी प्रोडक्शन यूनिट में इन्वेस्ट होती है तो इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ती है। देखिए मैंने आपको बताया, एक लैंड आपने खरीद के रख दी है, आपके पैसे ब्लॉक हो गए, उससे जीडीपी में कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। जीडीपी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है जब डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये ब्लॉकेज होता था इकोनॉमी के लिए। गवर्नमेंट इस कॉन्सेप्ट को समझती है और मुझे लगता है कि और ज्यादा वहां पे जो फालतू के प्रॉफिट के लिए बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किए जाते थे, गवर्नमेंट का मानना यह है जिसको घर की जरूरत है वो घर खरीदे। ऐसा नहीं कि आपको घर की जरूरत है, एक दो आपने घर खरीद लिए लेकिन पता चला 50 फ्लैट आपने खरीद के रखे हैं, आपने सारी इन्वेस्टमेंट वहां पे लगा करके रखी हुई है। तो इस फालतू के इन्वेस्टमेंट को, ब्लॉकेज को, जो कैश का ब्लॉकेज, मनी का ब्लॉकेज होता था, गवर्नमेंट खत्म करने वाली है। और इस सेक्टर के लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत के हिसाब से गवर्नमेंट से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और सर जो आम जिस तरीके से मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहे हैं तो मिडिल क्लास को भी शायद ये बात समझने में काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली अभी भी यही सोचती है कि अगर हमें कहीं एक बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो शायद वो घर मकान या जमीन ही है। देखिए ये चीजें हैं, दो तीन चीजें ऐसी हैं जैसे गोल्ड वगैरह का तो खैर हम लोगों के यहाँ कल्चर भी था, उसमें इन्वेस्ट करना सेफ भी होता था। और उसको एक सर, गोल्ड को तो सीधे तौर पर भगवान लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, भगवान लक्ष्मी से जोड़ते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है, आप ये देखिए जो ब्लैक मनी वगैरह का कॉन्सेप्ट था वो ज्यादातर कंज्यूम ही इन्हीं चीजों में होता था। इसीलिए पिछले कुछ सालों में जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, आपको घर की जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना लीजिए, ऐसा नहीं कि आप उसको बिजनेस की तरह, अगर आपके पास सरप्लस मनी पड़ी हुई है तो उसको किसी मोर प्रोडक्टिव तरीके से उसको मार्केट में यूटिलाइज किया जाए ताकि दूसरे लोगों के हाथ में भी जॉब मिले, इनकम बढ़े, रेदर देन कि भाई पैसे को आपने तिजोरी में रख दिया। पैसे का बेस्ट यूज ये नहीं होता है कि आप जमीन खरीद के तिजोरी में रख करके या गोल्ड में वो करके, वो तिजोरी में पड़े पड़े उसका कोई यूज नहीं होता है। एक कॉन्सेप्चुअल यूज होता है कि मार्केट में प्राइस बढ़ रही है तो आप सोच के खुश होते हैं। पैसे का बेस्ट यूज ये होता है कि पैसा मार्केट में रहे, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहे और जो एक मूवमेंट है मूवमेंट है वो हमेशा बनती रहे। जब आप पैसे को प्रॉपर्टी में या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे की मूवमेंट जो है वो अचल हो जाती है। देखिए इनको अचल संपत्ति बोलते हैं, तो वो संपत्ति मूव नहीं करती है तो उसका कोई डायरेक्ट और इमीडिएट कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में आ नहीं पाता है। गवर्नमेंट इस चीज को समझती है। और कुछ देखिए जो बायर होते थे घर वगैरह के, उनके साथ बहुत सारे तरीकों से फ्रॉड होते थे, इसीलिए रेरा को इतना टफ कानून यहाँ पे बनाया गया है कि जो एक अंधेर नगरी टाइप का रियल एस्टेट डेवलपमेंट में चल रहा था उस पर लगाम लगे। और जरूरत के साथ मेरे ख्याल से शायद 70 लाख फ्लैट अभी मैं सुन रहा था कि दिल्ली में ही खाली पड़े हैं, उसको कोई गवर्नमेंट ये कर, हाँ लेने वाला नहीं। और सर यहाँ पर ये भी काफी बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरीके से हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो भी चाहते हैं कि जो पैसे ब्लॉकेज हैं, लोग ब्लॉक करके बैठे, वो पैसे मार्केट में आए और मार्केट में चलना शुरू। शायद यही वजह है कि लगातार सरकार, अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो स्टार्टअप इंडिया को भी लेकर लगातार इसको पुश कर रही है, लगातार स्टार्टअप्स को लेकर गवर्नमेंट काफी सारी चीजें दे रही है। अगर हमें स्टार्टअप को लेकर लोन लेना हो तो हमें उसमें भी काफी रियायतें मिल जाती हैं। इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी गवर्नमेंट मार्केट में ला चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बाद पता है गवर्नमेंट देखिए स्टार्टअप को क्यों इतना फोकस कर रही है या प्रमोट कर रही है। अमेरिका जिसकी आबादी 30 करोड़ है, आप ये 35 करोड़ मानिए, हमारी 1/3 है जी, वहां पे हमसे ज्यादा स्टार्टअप, सक्सेसफुल स्टार्टअप की बातें होती है। एप्पल वगैरह, गूगल वगैरह सारे स्टार्टअप तो वहां के हैं ना जी, जी। और 120 करोड़ की जनता में आप ये देखिए स्टार्टअप्स है ही नहीं। जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, बिजनेस अंपायर, बिजनेस घराने पड़े हैं उन्हीं से उम्मीद होती है और वही नए नए स्टार्टअप करते हैं। गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को यहां डेवलप करना चाहती है और स्टार्टअप के थ्रू मान लीजिए 2%, 4%, 5% स्टार्टअप भी अगर सक्सेसफुल हो गए तो देश की दशा और दिशा को बदल देने में वो सफिशिएंट सक्सेस
सक्सेस रेट यही होता है, 1% के आसपास स्टार्टअप का सक्सेस रेट होता है, लेकिन लगातार ये चलता रहे तो कुछ अगर सक्सेस हो गए तो पूरे देश की दशा ही बदल जाएगी। और सर यहाँ पर जो गवर्नमेंट की थ्योरी है वो भी बिल्कुल सीधे तौर पर साफ हो जाती है कि जो पैसे ब्लॉक पड़े हैं, जो पैसे लोग जो है जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि जो अचल संपत्ति है उन पर लगाकर बैठे, ऐसे में सीधे तौर पर ये पैसे जो चल संपत्ति में आ जाते हैं, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप करेगा तो सीधी सी बात है कि किसी को कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, किसी को 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी, किसी को एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से जो पैसे हैं वो करीब 50 से 60 जगहों पर जाएंगे, तो सीधे तौर पर पैसे की मूवमेंट बनेगी। देखिए अचल संपत्ति और चल संपत्ति का जो कॉन्सेप्ट है जरा कंज्यूमरिज्म को समझ लेना चाहिए। अमेरिका वगैरह में ये सब चीजें बहुत पहले हुई थी, वहां हमने ये देखा है लोगों की हैबिट ये है कि उनकी सेविंग टेंडेंसी बहुत कम है। सेविंग टेंडेंसी जब कम होती है तो लोग वहां पे खर्च करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। जब आप खर्च करते हैं तो वो पैसा मार्केट में घूमता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, तो किसी का भी काम वहां पे रुकने नहीं पाता है। अब जब भी आप संपत्ति को किसी भी तरीके से इमूवेबल बना देंगे, यानी आपने उसके हाथ पैर तोड़ के एक जगह बैठा दिए, तो जितनी संपत्ति आपकी इमूवेबल हो गई है, चाहे वो आपका लैंड में इन्वेस्ट आपने किया हो, चाहे गोल्ड वगैरह में किया हो, उसका तो कोई यूज नहीं है। केवल वो रख करके आप अपने बुरे दिनों के लिए सोच करके खुश होते रहिए कि इमरजेंसी में काम आएगा। गवर्नमेंट मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को बदलने जा रही है। बिल्कुल। और सर यहां पर एक कह सकते हैं आखिरी सवाल आपसे जाते थे, ये जरूर पूछना चाहेंगे कि जो वो डर है, जो लोगों के अंदर डर है चल संपत्ति में पैसा लगाने को लेकर, वो डर कैसे दूर होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि हम अगर अचल संपत्ति पर जिस तरीके से हम सोना जमीन इन सब चीजों को लेकर बात करें, इसमें अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे सेफ रहेंगे। देखिए नहीं, ये डर कहां खत्म होगा सर? डर ऐसा, देखिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है अभी ये और आगे भी जो ये बिल अभी लाने वाले हैं, आप ये देखिए बेनामी संपत्ति वगैरह का, गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपको 1000 संपत्ति खरीदनी है आप खरीदिए, बिल्कुल आप गवर्नमेंट से छुपाइए मत। गवर्नमेंट ने अभी तक पिछले 5-7 सालों में जो चेंजेस किए हैं वो एक ही है प्रिंसिपल बेस्ड, वो ये है आपको जो करना है करिए, गवर्नमेंट की नजर में डाल के करिए और आप अपना टैक्स दे दीजिए। अब देखिए है क्या अचल संपत्ति का, ये ठीक है वो सबसे सेफ माना जाता है कुछ रीजन के कारण। गवर्नमेंट ये बोल रही है जो बेनामी संपत्ति है वो कॉन्सेप्ट यही है ना कि भाई आप अपना रिटर्न भर रहे हैं 10 लाख का, तो आपके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ गई अगर इनकम नहीं है? गवर्नमेंट यही बोल रही है कि आप 10 मकान 1000 मकान जो भी खरीदना है खरीदिए, आप टैक्स दीजिए। गवर्नमेंट की नजरों से अब कोई छुप नहीं पाएगा, आगे आने वाले पारदर्शिता जो है उसको बरकरार रखिए आप, ताकि जो एक चोरी छुपे वाला खेल था वो खेल बंद हो सके और जो एक चोरी है जो लगातार टैक्सी चोरी है उस पर भी लगाम लग सके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े, और जो भी हमारे दर्शकों के सवाल थे उन सवालों के आपने जवाब दिए, और लगातार ये सवाल हमारे दर्शकों के मन में घूम रहे थे, इन सवालों को इन बातों को आपने उनके मन से दूर किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरीके से 2021 और 2022 आम बजट की जो उम्मीद पूरा भारत लगाकर बैठा था वो बजट अब आ चुका है, वहीं वो सवाल जो है जिन सवालों के जवाब आप लोग ढूंढ रहे थे उसके जवाब भी हमने एक्सपर्ट के साथ दिए। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए OTTIndia.tv। रग रग में हिंदुस्तान।